So hello students, in the previous video we completed about the types of pollutants. Today we'll start with classification of pollution. Pollution को अलग अलग तरह से classify किया जा सकता है. सबसे पहले आइए देखते हैं air pollution. Air pollution नाम से ही पता चल रहा होगा, जब air pollute होती है, ठीक है, जब pollutants क्या होते हैं, accumulate हो जाते हैं atmosphere में, मतलब कि air में, ठीक है, और बहुत ज्यादा amount में, जिससे हमारी क्या होती है हेल्थ, और सिर्फ हमारी नहीं, एनिमल्स की, प्लांट्स की, सबकी हेल्थ इफेक्ट होती है और हमें डिस्कम्फर्ट होता है पीसफुल लिविंग में हमारी, तो उसको एयर पोल्यूशन कहते हैं. तो एयर पोल्यूशन से बेसिकली हमारी एयर गंदी हो जाती है, हार्मफुल जो टॉक्सिकेंट्स हैं वो ऐड हो जाते हैं और हमारे लिए पीसफुली रहना मुश्किल हो जाता है. तो दैट इज एयर पोल्यूशन. अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन एयर, आप सभी को पता है कि क्लीन एयर बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है सर्वाइवल के लिए और हमारे प्लैनेट के लिए, ठीक है. बैरिंग अ फ्यू नेचुरल कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू एयर पोल्यूशन, अब कुछ नेचुरल कॉन्ट्रीब्यूटर्स भी हैं एयर पोल्यूशन के, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक जो ज्वालामुखी फूटता है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, नेचुरली होता है, इससे भी पोल्यूशन होता है एयर में. फॉरेस्ट फायर, आग लगती है, धुआं निकलता है, एयर में पोल्यूशन होता है, ठीक है. इट्स एयर वॉज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पोल्यूटेंस टिल द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ 90. अगर हम इन चीजों को छोड़ दें, अगर मान लीजिए कि वॉल्केनिक इरप्शन एंड फॉरेस्ट फायर को छोड़ दें, ये दो चीजें तो हमेशा से थी जब से अर्थ बना, लेकिन बाकी अदर जो पोल्यूटेंट्स है वो ऐड हुए हैं कब, रिवोल्यूशन के बाद, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो कि 18th सेंचुरी का था उसके बाद. इतना रेकलेस, मतलब एकदम केयरलेस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, एकदम बिना प्लानिंग के साथ, ठीक है. अर्बनाइजेशन हो गया, मतलब कि गांव के लोग शहर में आकर रहने लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े जो हैं इतने बनने लगे, तो उसकी वजह से एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया पास्ट 2 सेंचुरी से, पिछले 200 सालों से. अब चीफ रीजन हमारा क्या है एयर पोल्यूशन के लिए, एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स में हमारा क्या है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट है, डोमेस्टिक कम्बशन है, घर में आग जो जलाते हैं, गाड़ियां वगैरह चलती हैं, इंडस्ट्री में जो यूज होता है, ये सारे हमारे क्या है, फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं. और जब फॉसिल फ्यूल्स यूज होते हैं, बर्न होते हैं, तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन एयर में निकलता है. और भी कॉन्ट्रीब्यूटर्स है, दीज आर माइनिंग, पावर जनरेशन एंड बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट. माइनिंग मतलब कि जब माइन, मतलब कि हमारी खदान से जब कोई चीज क्वेरिंग करके, जब मतलब कोई चीज को खोद कर निकाला जाता है, सोने हैं, आयन है, बॉक्साइट है, ठीक है, और या तो फिर पावर जनरेट किया जाता है थर्मो, ठीक है, जियो थर्मल पावर होता है, ठीक है, इसी तरह से कोल से पावर जनरेट करते हैं, तब क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, उसमें बहुत सारा गैसेस होती हैं जो कि हमारी, वो हार्मफुल भी कुछ गैसेस होती हैं जो कि एयर को पल्यूट करती हैं. सॉलिड वेस्ट का जलना भी एयर को पल्यूट करता है, ठीक है. टाइप्स ऑफ एयर पल्यूटेंट्स, एयर पल्यूटेंट्स की भी टाइप है, ठीक है. एयर पोल्यूशन इज अ ग्रेट पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हेल्थ प्रॉब्लम. आपको बता दूं कि एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एनवायरमेंट के लिए भी और एयर के लिए भी, जिससे और भी अदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, ठीक है, एसिड रेन होती है, ओजोन लेयर डिप्लीट होने लगती है, और कुछ कुछ जो मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स एयर पोल्यूशन के आर हार्मफुल ओजोन इन द लोअर टेम्परेचर. लोअर टेम्परेचर में क्या है, हार्मफुल ओजोन होता है वो, ठीक है, कार्बन मोनोक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, लेड है, टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट्स है, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीटर्स हैं जैसे कि CFCs हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ठीक है. इनको क्लासिफाई किया जा सकता है 3 मेन कैटेगरीज में. सबसे पहला आता है नेचुरल कंटामिनेटर्स, इसमें आता है पोलन ग्रेन, फूलों के जो बीच के पोलन ग्रेन होते हैं वो एयर को पोल्यूट करते हैं, जब एयर में उड़ते हैं तो एयर में पोल्यूशन होता है. वॉल्केनिक ऐश, ज्वालामुखी से निकलने वाली राख, और भी डस्ट पार्टिकल्स, मिट्टी वगैरह, कंकड़, बालू. एरोसोल्स पोल्यूटेंट्स, दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल स्मोक. इंडस्ट्री का जो स्मोक होता है, फ्यूम्स होती है, धुआं होता है, डस्ट होता है, ओडोर होता है, ये क्या होता है, हमारे एटमोसफेयर में मिल जाता है, ठीक है, इसको हम ब्लैक कार्बन पोल्यूशन भी कहते हैं. नॉक्शियस गैसेस एंड वेपर्स, अब बहुत ज्यादा हार्मफुल गैसेस जो होती हैं, जिससे क्या होता है कि एक बदबू सॉर्ट ऑफ निकलती है, ठीक है, और बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, ठीक है, वो भी हमारे लिविंग थिंग्स के लिए बहुत इंजूरियस होती है. इसमें कौन कौन सी गैस आती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेड, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीटर्स, ग्रीन हाउस गैसेस एक्सेट्रा. दीज गैसेस कैन फर्दर रिएक्ट इन द एटमोसफेयर एंड कैन कॉज इट एसिड रेन. ये गैसेस क्या एटमोसफेयर में रिएक्ट करती हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया कि SO2 वगैरह, CO2 वगैरह एटमोसफेयर में प्रेजेंट पानी से रिएक्ट करती हैं, तो फिर एसिड रेन होता है. तो बाकी भी इससे एक प्रॉब्लम नहीं, कई सब्सिक्वेंट प्रॉब्लम्स भी होती हैं. द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ एयर पोल्यूशन इज स्मॉग. सबसे
कॉमन फॉर्म है स्मॉग। स्मॉग क्या होता है कि स्मोक और फॉग का मिलना। फॉग कोहरा होता है एटमॉस्फेयर का, और जो स्मोक होता है वो मिल जाता है, इससे स्मॉग बन जाता है। बहुत खतरनाक होता है इसका कॉम्बिनेशन जो होता है स्मोक एंड फॉग का, बहुत सीरियसली इफेक्ट करता है। इससे विजिबिलिटी कम हो जाती है, लोग जो है बहुत दूर तक देख नहीं सकते, जिससे एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, एयर पोल्यूट होती है। ठीक है, ज्यादातर सिटी में होता है क्योंकि सिटी में ज्यादा स्मोक होता है। अब स्मोक जो है थ्रू आउट हिस्ट्री में क्या नाम है, हमेशा बहुत ज्यादा पोल्यूशन वाली जगह पे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, बाय वाटर कंडेंसिंग ऑन स्मॉल पार्टिकल्स। अब वाटर क्या होता है कि जब स्मॉल पार्टिकल्स पे कंडेंस कर जाता है। स्मॉल पार्टिकल्स मतलब आपको मैंने ह्यूमिडिटी चैप्टर पे पढ़ाया था कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड है, ठीक है, जो दिखाई नहीं देते, जिनको एरोसोल्स कहते हैं। जब क्या होता है कंडेंसेशन, पानी जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर मौजूद होती है इनके ऊपर कंडेंस हो जाती है। ठीक है, यूजुअली फ्रॉम बर्निंग कोल। अब ये होता कैसे कंडेंसेशन, जब कोयला वगैरह जलता है, ठीक है, कोयला वगैरह जलता है तो धुआं उसका रहता है, वो धुआं क्या रहता है, वो वेपर में मिल जाता है साथ में, और फिर बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा स्मोक होता है। तो सबसे ज्यादा स्मोक रिकॉर्ड किया गया था इन फेमस लंदन फॉग, ठीक है, वहां पर सबसे ज्यादा स्मोक हुआ था, विच रिजल्टेड इन डेथ ऑफ अबाउट 4000 पीपल। 4000 लोगों की मौत हो गई 1952 से 53 में, इस टाइप का एयर पोल्यूशन हुआ था। तो बहुत खतरनाक होता है। अनदर टाइप ऑफ स्मॉग इज आइस फॉग। दूसरा क्या है, आइस फॉग है विच अकर्स ओनली एट हायर लैटिट्यूड्स। ये हमेशा क्या होता है, ऊंचाई पे होता है एंड एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स, और बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर में, जब एकदम टेम्परेचर एकदम कम होता है, बहुत ठंडा होता है, तो आइस के साथ स्मोक मिल जाता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड आइस क्रिस्टल्स। ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के शुरुआती दिनों में क्या हुआ था, एयर पोल्यूशन सिर्फ क्या होता था, बर्निंग ऑफ कोल से होता था, कोयला जलता था। आज क्या है कि कोल इकोनॉमी को क्या है, रिप्लेस कर दिया है पेट्रोलियम इकोनॉमी में, कोयला की जगह हर जगह पेट्रोल यूज हो रहा है। तो पेट्रोकेमिकल स्मॉग जो है बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंट, मतलब ज्यादा फैलने वाली प्रॉब्लम है सिटीज में। पेट्रोकेमिकल्स आर द अनप्लीजेंट प्रॉपर्टीज इन द एयर्स। ये बहुत ही अनप्लीजेंट और हार्मफुल प्रॉपर्टी है एयर में पेट्रोकेमिकल्स। दे आर द रिजल्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये कैसे बनते हैं, हाइड्रोकार्बन्स एटमोसफेयर में जब फैल जाता है, प्राइमरीली द अनबर्न पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एमिटेड बाय ऑटोमोबाइल्स। अब क्या होता है, ये अनबर्न पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो बिना जो जलते नहीं है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और ऑटोमोबाइल से और अदर कंबशन सोर्सेस से एमिट होते हैं, वो होते हैं हमारे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। तो ये हमने वाटर पोल्यूशन, जी हमने एयर पोल्यूशन डिस्कस कर लिया, अब हम आते हैं वाटर पोल्यूशन पे। आपको बता दूं कि पानी पे हम सभी लोग डिपेंडेंट है, ठीक है, मिलियन ऑफ ह्यूमन बींग्स सारे सब पोल्यूशन अब सब पानी पे हैं। लेकिन क्या है कि हमारे जो सी में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, ग्राउंड वाटर में हो रहा है, फ्रेश वाटर में हो रहा है। वाटर पोल्यूशन क्या होता है, जब पानी में, साफ पानी में केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल और रेडियो एक्टिव मटीरियल जो कि फ्रेश और ओशन वाटर्स में मिल जाता है और जाके उसकी क्वालिटी को डिग्रेड कर देता है, क्वालिटी को इफेक्ट करके खराब कर देता है, ठीक है, एंड ह्यूमंस इन द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन इट, और जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इफेक्ट करता है, ठीक है, जो कि पानी पे डिपेंडेंट है। हम लोग भी पानी पे डिपेंडेंट है, तो इनडायरेक्टली हम लोगों को भी इफेक्ट करता है। तो इस तरह के पोल्यूशन को कहते हैं वाटर पोल्यूशन। दिस प्रोसेस रेंजेस फ्रॉम सिंपल एडिशन ऑफ डिजॉल्व और सस्पेंडेड सॉलिड्स। सिंपल एडिशन होता है डिजॉल्व या फिर सस्पेंडेड सॉलिड का, ठीक है। डिजॉल्व मतलब कि जो एकदम घुल जाता है, और सस्पेंडेड मतलब क्या होता है कि जो बहुत उसके ऊपर आ जाता है, जैसे कि कूड़ा वगैरह आप पानी में डाल दीजिए, छोटे छोटे सॉलिड वेस्ट, तो वो ऊपर आ जाते हैं। तो जब डिजॉल्व सॉलिड वेस्ट और सस्पेंडेड सॉलिड वेस्ट वाटर बॉडीज में मिल जाता है, ठीक है, टू द डिस्चार्ज ऑफ मोस्ट हार्मफुल पोल्यूटेंट्स सच एज वैरायटीज ऑफ डेंजरस केमिकल, जैसे कि बहुत सारे डेंजरस केमिकल है, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, रेडियो एक्टिव मटीरियल है, जब पानी में मिला दिया जाता है, और गंदे पानी में मिल जाता है, और गंदा पानी हमारे साफ पानी में मिला दिया जाता है। कौन मिलाता है, इंडस्ट्रीज वगैरह, तब होता है वाटर पोल्यूशन। टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, फिजिकल एजेंट्स। देखिए, सबसे पहले वाटर पोल्यूटेंट्स के भी चार पांच टाइप्स हैं, दे कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग फाइव कैटेगरीज। पहला क्या है, फिजिकल एजेंट्स, इसमें ही होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स, दीज इंक्लूड सॉलिड सच एज वुड, वुड होता है, प्लास्टिक होता है, पार्टिकल सस्पेंडेड फॉर्म में, ठीक है, आपको ऊपर ऊपर दिखाई देंगे छोटे छोटे, एक्सेस हीट कॉज ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल कूलेंट्स। और बहुत ज्यादा पानी जब हीट हो जाता है, कैसे इंडस्ट्रियल कूलेंट्स पानी में मिल जाते हैं, तो उससे भी क्या होता है, वाटर हीट होने लगता है।
ये फिजिकल एजेंट्स है। फिर ऑर्गेनिक केमिकल एजेंट्स, इसमें क्या क्या होता है, पेट्रोलियम वेस्ट होता है, पेट्रोल वगैरह गिर जाता है, पेट्रोकेमिकल्स गिर जाते हैं, पानी में गिरा दिया जाता है। वेरियस टाइप्स ऑफ ऑयल, काफ़ी तरह के ऑयल हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक केमिकल एजेंट्स में आ जाता है। फिर आता है इनऑर्गेनिक केमिकल एजेंट्स में, इनऑर्गेनिक मतलब कि जो कि पानी के साथ कभी डिजॉल्व नहीं होगा अच्छी तरीके से, जैसे कि एसिड है, कॉस्टिक्स है, सॉल्ट्स है, मेटल्स है, ये सब पानी में क्या होगा, हार्म क्रिएट करेगा। फिर क्या है बायोलॉजिकल एजेंट्स, बायोलॉजिकल में जैसे वायरस है, पैरासाइट्स है, एल्गे है, फंगस है, ये सारी चीजें ये बायोलॉजिकल एजेंट्स में आते हैं। फिर आता है रेडियो एक्टिव मटीरियल, इसके अंदर यूरेनियम, ये हमारे रेडियो एक्टिव केमिकल्स हैं, यूरेनियम, थोरियम, सेसियम, आयोडीन, रेडॉन, ये नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है। इससे रेडियो एक्टिव गैस निकलती है, कैसे, जब यूरेनियम डिके होने लगता है, एनवायरमेंट में घिसने लगता है, मिलने लगता है, अपने आप एनवायरमेंट में मिक्स हो जाता है, तो उस मिक्सचर के दौरान क्या होता है, गैस निकलती है, रेडियो एक्टिव गैस, ठीक है, उससे भी हमारा पानी हार्म होता है, पानी खराब होता है। एक्सेसिव कंसेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इन वाटर, जब वाटर में बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट्स मिल जाते हैं तो उससे बहुत सारी एक्वेटिक लाइफ जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं उन पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। ये कंटामिनेटेड वाटर क्या है, ह्यूमन लाइफ को भी इफेक्ट करता है, क्योंकि हम पानी पीते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या तो पानी पीते हैं या फिर क्या होता है पानी खेतों में इस्तेमाल किया जाता है, और वो खेतों में जो क्रॉप्स उगती हैं वो ग्रो होती हैं वो भी तो हम खाते हैं, तो इनडायरेक्टली क्या होता है हम हर तरह से इफेक्ट इससे हो रहे हैं। टॉक्सिक वेस्ट विच इज ऑफन रिफर्स टू हजार्डस वेस्ट आर द मोस्ट हार्मफुल एंड वाइड स्प्रेड ऑफ ऑल कॉमन वाटर पोल्यूशन, जो टॉक्सिक वेस्ट है सबसे ज्यादा कॉमन है हमारा वाटर पोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फ्रेश वाटर पोल्यूशन से। थैंक यू क्लास।